हेलो व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन होगा क्लास फोर के लिए, बंगाल बोर्ड की बुक है बटरफ्लाई, इसका लेसन वन आज हम लोग देख लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो आइए आज का लेसन देखते हैं। आज का हमारा लेसन है लेसन वन पार्ट वन, व्हाई इज़ द स्काई सो हाई, आकाश या आसमान इतना ऊंचा क्यों है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। देखिए यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, उन्हें मैच करना है। सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, इसे मैच कर देते हैं। क्लाउड ब्रिंग्स रेन, स्टार ट्विंकल, मून शाइन्स एट नाइट एंड चेंज इट्स से। आइए आगे देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड, वी सी द सन द क्लाउड स्टार एंड द मून इन द स्काई। हम सूरज बादल तारे और चांद को कहाँ देखते हैं, स्काई में, आसमान में। वी कैन नॉट टच दीज, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, कैन ऑन कैन नॉट। आइए पैसेज पढ़ते हैं, मीनिंग समझते हैं, उसके बाद एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड। इट वॉज 10 o'clock इन द नाइट, रात के 10 बजे हैं। मीमी एंड राजू हैड नॉट येट गॉन टू बेड, मीमी और राजू अभी तक बिस्तर पे नहीं गए हैं सोने के लिए। दे वॉन्टेड टू हियर अ बेड टाइम स्टोरी फ्रॉम देयर मदर, वो अपनी माँ से एक कहानी सुनना चाहते हैं जो अक्सर बच्चे सुनते हैं सोने से पहले। सो मीमी एंड राजूज मदर ले डाउन विद देम ऑन द बेड, इसलिए मीमी और राजू की माँ जो है उनके साथ बिस्तर पर लेट जाती हैं। ऑल राइट देन मदर सेड, और कहती हैं ठीक है चलो। आई विल टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम लोगों के एक कहानी सुनाती हूँ। आई हर्ड दिस फ्रॉम माई मदर, ये कहानी मैंने अपनी माँ से सुनी थी। व्हेन आई वॉज एट योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। व्हाट द स्टोरी ऑल अबाउट, मीमी एंड राजू आस्क्ड ऑल एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड होकर मीमी और राजू पूछते हैं अपनी माँ से कि स्टोरी किस बारे में है माँ। इट्स अबाउट द स्काई, मदर सेड स्माइलिंग, और मुस्कुराते हुए माँ उत्तर देती है कि ये कहानी आसमान के बारे में है। अबाउट द स्काई, डू यू वॉन्ट टू हियर इट, क्या आप लोग सुनना चाहते हो। ओह यस दे सेड, और वो हाँ में उत्तर देते हैं। मदर बिगेन द टेल, और माँ कहानी बोलना शुरू करती है। टेल का मतलब होता है कहानी। लॉन्ग अगो, बहुत सालों पहले, एवरीबडी कुड टच द स्काई, हर कोई आसमान को छू सकता था। द स्काई स्ट्रेच लाइक एन अम्ब्रेला ओवर द अर्थ, पहले जो आसमान था वो धरती के ऊपर एक छतरी की तरह फैला हुआ था, स्ट्रेच मैंने फैला हुआ। ही प्लेड विद द लिटिल चिल्ड्रन, वो छोटे बच्चों के साथ खेलता भी था। कौन, आसमान। दे थ्रू बॉल एट हिम, जब बच्चे उसकी ओर बॉल उछालते थे, ही थ्रू द बॉल बैक, वो बॉल को वापस भी फेंक देता था। द स्काई एंड द चिल्ड्रन लाफ टुगेदर इन हैप्पीनेस, आसमान और बच्चे एक साथ मिलकर खुशी में हंसते थे। द स्काई वॉज वेरी क्लोज टू दैट, और आसमान जो था वो धरती के बहुत पास था। बहुत सालों पहले की बात है ये, ऐसा हो सकता है क्या, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, आप कल्पना कर सकते हैं इस बारे में। आइए एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी वन, मीमी एंड राजू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट हियरिंग द स्टोरी, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। मीमी एंड राजू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट हियरिंग द स्टोरी, स्टोरी सुनने के लिए उत्सुक नहीं थे, फॉल्स बहुत उत्सुक थे बोलो। Once upon a time, children played with the sky. हाँ खेलते थे, true. The sky and the children were very happy then, true. At that time, the sky was far away from the earth. नहीं, उस समय धरती के पास ही था आसमान। Activity 2. What would you do if you could touch the sky? Discuss with your partner. अपने दोस्त के साथ discuss करें कि अगर आप आसमान को छू सकते तो आप क्या करते। डिस्कस जरूर करिएगा।
इसी के साथ आज का हमारा पैसेज और एक्टिविटी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, अपना ढेर सारा प्यार मुझे दें। अपने क्वेश्चंस, स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।